नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस बार एक बार फिर खाकी की वर्दी शर्मसार हुई है, क्योंकि राज्य के ललितपुर जिले में कुछ ऐसी घटना सामने आई है। ललितपुर के थाने के अंदर ही नाबालिग से रेप की सनसनीखेज वारदात हुई है, बल्कि रेप किसी और ने नहीं SHO ने किया है। वहीं मामले में चाइल्ड लाइन की शिकायत पर पाली थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही ADG कानपुर जोन भानु बास्कर ने पाली थाना इंचार्ज समेत सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। देवरिया सलीमपुर थाना क्षेत्र में वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने सलीमपुर में तैनात दरोगा आदित्य सम्राट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ महीने पहले अश्लील फोटो वायरल और छेड़छाड़ करने का केस दर्ज कराया था। वहीं आरोपी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित निरीक्षक को देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया है। वो ट्रेन से भागने की फिराक में था। श्रावस्ती में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीता द्वार का सौंदर्यकरण कराया जाएगा। इकोना विकासखंड के तड़वा महंत में स्थित सीता द्वार मंदिर का अपना पौराणिक स्थान है। अक्षय तृतीया को यहां पर 154 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली झील की सफाई से सौंदर्यकरण के काम का आगाज हुआ। विधायक राम फेरन पांडे और DM नेहा प्रकाश, ADM कमलेश चंद्र ने झील की सफाई में शुरुआत की। विधायक ने बताया कि 2 करोड़ रुपए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिल चुके हैं। लगभग 8 करोड़ का प्रस्ताव और भेजा गया है। DM ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तालाबों के सौंदर्यीकरण की प्रेरणा से जिले के सबसे बड़े तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का वीणा उठाया है। अभी हमने 2 करोड़ रुपया चुनाव से पहले माननीय पर्यटन विभाग से, पर्यटन मंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया है, इसका टेंडर भी हो गया है। इस पर कार्यक्रम भी बस एक आध हफ्ते में चलने वाला है, बनेगा, विकसित होगा। और 8 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरा अभी पड़ा हुआ है जो चुनाव के कारण नहीं हो पाया था। हमारी सोच है, DM साहब ने जितनी बात बताई दिया है, बाकी हमारी सोच है कि परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ अगर रोड बन जाएगी, डामरीकरण हो जाएगा, तो यात्रियों को आने जाने में जो दर्शनार्थी हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमने अभी एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया है जिसमें यहाँ पर बोट क्लब की स्थापना होगी। हम यहाँ पर एक लोटस गार्डन भी बनाएंगे और इसका कुछ एरिया जो होगा उसको मछली पालन की व्यावसायिक गतिविधियों में यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक हैंगिंग रेस्टोरेंट बनाने का भी प्रस्ताव है और वाटर पार्क भी बनाया जाएगा। जो झील है उसके चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक बनेगा और एक स्ट्रेच ऑफ एरिया है जहाँ पर वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। और हमारे विधायक जी का ये प्रस्ताव भी है कि झील के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बने, जिससे कि ये सीता द्वार का जो हमारा मंदिर है और ये पूरा परिसर है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट के तरह डेवलप हो और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए।
गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव की बेटी की पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। वहीं इस बीच मृतक गुड़िया के पिता अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि 24 घंटे पहले से ही उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है और जब तक उनकी बेटी के हत्यारों को जेल नहीं भेजा जाएगा वो अनशन पर ही रहेंगे। इस दौरान मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में जब ये मामला आया उन्होंने एक बकायदा 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोगों को यहाँ भेजा है और यहाँ की पूरी वो स्थिति जो है जो सच्चाई है हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात किया है पीड़िता के पिता से, उनकी माता से, उनके परिवार से और एक रिपोर्ट बना करके जो है हम अभी पुलिस का पक्ष भी लेंगे, हम कप्तान से भी मिलेंगे। हमें निर्देश है जो है कि उस दोनों पक्ष की चीज़ें सही तरीके से आनी चाहिए, तभी हम लोग जो है कप्तान से भी मिलेंगे, पीड़िता से भी मिलेंगे और मिल करके जो है अपनी एक रिपोर्ट बना करके नेतृत्व को प्रेषित करेंगे। हमारा कहना है कि जब तक दोषी जिनके ऊपर ये मुकदमा धारा लगी है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं अनुग्रहण नहीं करूँगा। मैं बेटी की बेगम मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए, जो दोषी दरोगा पाया गया है पहले उनको गिरफ्तार किया जाए तभी मैं अनुग्रहण करूँगा, नहीं वरना अपना आत्महत्या करूँगा। यही मेरा विचार है और सरकार से भी मेरी उम्मीद है कि जो दोषी दरोगा उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं भूखे पूसे कल से बैठा हूँ, अपनी आत्महत्या करूँगा बिना अनुग्रहण के बैठे। अलीगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बदमाशों और लुटेरों के हौसले इस हद तक बुलंद हो गए हैं कि अब वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गांधी पार्क थाना इलाके के छर्रा अड्डा ओवरब्रिज के सामने से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटपाट करने की कोशिश की। वहीं इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे जेल कर्मी प्रेम पाल पर भी बदमाशों ने गोलियां बरसाई, जिसमें एक गोली प्रेम पाल के हाथ में लगी और दूसरी गोली पैर में लगी। वहीं घटना की सूचना पर एसपी सिटी के अलावा क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान भी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। बाइक पे दो लड़के आए जी, एक के हाथ में कट्टा लगा हुआ था जी और मेरी चैन देखी, चैन तोड़ी पहले जी, है ना। तो मैं लोगों से बोला भैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अच्छा। तो साले गोली मार देंगे, साले गोली मार देंगे, गाली। कितने लोग थे वो? दो लड़के। दो, कोई बाइक नंबर वगैरह देखा आपने? तो आपके चैन तोड़ के ले गए, कुछ और भी सामान? भैया जो पीछे पीछे आ रहे थे बाइक में उन्होंने रोक के बोला कि रुक रुक रुक, उसके वो कट्टा मार दिया। किसी के साथ लूट हो रही थी छर्रा अड्डे पुल के नीचे, तो ये बचाने के लिए गए थे, अच्छा। तो उन्होंने उन्हें छोड़ के इन पे फायर किए, अच्छा। और ये भैया जी हैं जो इन्होंने बचाया वही हॉस्पिटल तक लेके आए हैं। आज थाना गांधी पार्क क्षेत्र में मोबाइल छीनने का इवेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की पीड़ित व्यक्ति के हाथ में चोट लग गई है तथा वो खतरे से बाहर है। मौके पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। परिजन कह रहे हैं कि गोली भी चली है, अब इसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो लगा है गोली लगी है इनको और अभी वो खतरे से बाहर है और इनका इलाज कराया जा रहा है, जल्दी इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन मूक दर्शक बन के ये मंजर देखते रही। जबकि आग बुझाने वालों के मुताबिक अगर कुछ देर और हो जाती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे हमने देखा यहाँ आग लग रही है, कुछ पब्लिक खड़ी थी और कुछ पब्लिक समर्थन में थी, जो कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ थे। और जब तक पब्लिक का समर्थन नहीं मिलेगा जब तक किसी चीज़ पे भी हम काबू नहीं पा सकते। किस चीज़ से आग लगी थी, क्या कोई वजह रही है? वजह अपने आप लगी है भैया जी, ये अब किसका बताया जाए, कोई अभी भी अनुभव नहीं है किसी चीज़ का। शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें अपने आप ही, ये चीज़ था जी। यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी आए, पर ये दुखित हुआ घटना है हमारी कि हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आती है, जब सारा काम हो जाता है, पब्लिक ने पाया है जी, आम पब्लिक ने पाया है, प्रशासन भी आया पर किसी ने काबू नहीं पा पाया। आम पब्लिक के सपोर्ट से हम लोगों ने काबू पाया है, पुलिस की गाड़ी भी आई यहाँ पे, पर उन्होंने दूर से देख के और चीजों को नहीं रुकावट देते हुए चली गई यहाँ से।
गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों ने स्थानीय चौकी पर हंगामा भी किया और जाम लगाने का प्रयास भी किया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को भगा दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों पर लोग जो है चौकी निवाड़ी रोड पर जो इकट्ठे हो गए थे, जिसमें कुछ जो है बाहरी लोग सम्मिलित हो गए थे। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया और मामले को शांत किया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर जो अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कई गांवों में खेतों की रखवाली कर रहे लोगों पर सीआर ने हमला करते हुए कई लोगों को घायल कर दिया। आपको बता दें कि बीते दो दिनों से कई लोगों में लगातार सीआर का हमला जारी है, जबकि ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिलने के बावजूद वन विभाग ने अभी तक सुध नहीं ली है। लापरवाही का परिचय देते हुए मौके पर नहीं पहुंचे। संभल से प्यार में धोखे का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि प्यार के जाल में फंसाकर युवक ने उससे शादी का वादा किया और दो साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। अब युवक युवती को छोड़कर चला गया है और शादी करने से भी इनकार कर रहा है। उसने कहा कि मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, साथ ही वो अपनी दूसरी शादी भी कर रहा है। बता दें कि पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पीड़ित दर बदर भटक रही है। मेरी बहन है दत्तरा सेठ में, वहाँ पे मैं आती जाती थी और मेरी बहन का पड़ोसी था एक लड़का, उसने मुझे प्यार के जाल में फंसा लिया। दो साल हो गई उनकी डर है, अब तुझसे शादी नहीं करूँगा और तुझे कुंवारी रखूँगा 7 दिनों तक और 12 तारीख को मैं शादी करके लाऊँगा और मेरे घर वालों को धमकी दी है और मुझे भी मारने की। अब ये चाहती हूँ इसको सजा मिलनी चाहिए जो मेरे साथ में गलत काम किए। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली के कादरी गेट लकुला मार्ग पर जिलाधिकारी संजय कुमार ने नव निर्मित रेडिएंटो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसके बाद डीएम ने अस्पताल में बने कक्षों का निरीक्षण करते हुए अस्पताल के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह को शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि इस अस्पताल को खोलने का उनका उद्देश्य ये है कि कोरोना काल में फर्रुखाबाद की जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस अस्पताल के खुलने से जनता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। बोला है हमारी पार्टी के नेता हैं वो, और बड़ा सेवा भाव से बोला है उन्होंने। कोरोना काल में भी बहुतों की मदद की, बहुतों की सेवा की और उसी काल में उनके मन में विचार आया था कि यहाँ पर जो सेवा भाव से अस्पताल खोला जाए, उन्होंने अस्पताल खोला है। तो आज के दिन उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत अस्पताल के खोलने का उद्देश्य ये कोरोना काल में जो हमने महामारी देखी उसमें लोगों के द्वारा जो लूटपाट हुई थी उसके उद्देश्य से केवल अस्पताल खोला गया है। उसी पीरियड में हमारे दिमाग में आया कि कोई ऐसा अस्पताल भगवत को दिया जाए जिससे लोगों की प्रॉपर सेवा कर सकें और उनके साथ किसी प्रकार की लूट लुटोट स्थिति न। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस